हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। नवरत्न अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माशा एवं लाशा। इंग्लिश में यदि बात करें तो HCF एंड LCM। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हैं, लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त, या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। नहीं पता है कि अब महत्तम समापवर्तक होता है या महत्तम समापवर्त्य होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है या लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को आज दूर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बात करें माशा यानी महत्तम समापवर्तक। देखो, महत्तम समापवर्तक का मतलब ये है कि अपवर्तक, समाप अर्वर्त अपवर्तक, उसके बाद सबसे बड़ा अपवर्तक, तो उसे कहते हैं हम महत्तम समापवर्तक। उदाहरण से समझेंगे। जैसे किसी ने आपसे कहा कि 12 और 16 का मासा निकालो, तो हालांकि मासा निकालने की कई विधियां हैं, जैसे भाग विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, गुणनखंड विधि आपने पढ़ी होगी, लेकिन यहां पे हम आपको सबसे छोटा और इंडिया का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देने वाले हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अपवर्तक क्या है, फिर समझेंगे समापवर्तक क्या है, उसके बाद हम आएंगे महत्तम समापवर्तक क्या है। देखो, जैसे 12 है, अब 12 किस किस संख्या से कटता है? तो सबसे पहला तो 1 से कटता है 12, 12 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, और 12 स्वयं 12 से भी कटता है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये जो संख्याएं हैं ये कहलाएंगी 12 के अपवर्तक, यानी 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये क्या हैं? ये सारी की सारी संख्याएं 12 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक हमेशा संख्या से छोटा होता है। जैसे देखो, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 का जो वैल्यू है 12 से छोटा या बराबर, यानी किसी भी संख्या के अगर हम अपवर्तक की बात करें तो वो क्या होगा? संख्या के बराबर होगा या संख्या से छोटा होगा। तो देखो, 12 के जितने भी अपवर्तक हैं ये 12 के बराबर हैं और 12 से छोटे हैं। उसी तरह 16 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 और 7, 16। यानी कि 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, ये पांचों की पांचों संख्याएं 16 के अपवर्तक हैं। यानी कि ये सब के सब 16 को काट देंगे, यानी 16 के क्या हैं? विभाजक हैं। तो बेसिकली सिंपल शब्द में बोला जाए तो विभाजक ही अपवर्तक है, या फैक्टर, या कह सकते हो डिविजर। अब ये क्या हो गए? 16 के अपवर्तक। ये क्या हो गए? 12 के अपवर्तक। अब बात करते हैं समापवर्तक। जैसे समापवर्तक शब्द का मतलब यदि देखा जाए तो सम मतलब समान, अपवर्तक यानी विभाजक। तो अभी हमने 12 के अपवर्तक निकाले और 16 के अपवर्तक निकाले, अब इन दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में समान अपवर्तक कितने हैं? तो देखो, 1 और 1 समान अपवर्तक है, 2 और 2 समान अपवर्तक है, 3 यहां पे है परंतु यहां पे नहीं है, 4 यहां पे है तो यहां पे, तो 4 समापवर्तक हो गया क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, 6 यहां पे तो है बट यहां पे नहीं है, 12 यहां पे तो है बट यहां पे नहीं है। यानी कि 1, 2 और 4 ये क्या हो गए? समापवर्तक, यानी दोनों संख्याओं में समान अपवर्तक, तो कहलाएंगे समापवर्तक। तो 1, 2 और 4 क्या हो गए? समापवर्तक। यानी संख्याओं के पहले हमने अपवर्तक निकाले, अपवर्तक के फिर समापवर्तक। अब इन समापवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक कहलाएगा महत्तम समापवर्तक। 1, 2 और 4 ये सारे के सारे क्या हैं? समापवर्तक, परंतु उसने बोला महत्तम समापवर्तक। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें?
चार, यानी कि 12 और 16 का जो मासा हो गया वो क्या हो गया, 4। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी ने कहा 24 या फिर 32 का मासा निकालो, ठीक है, तो देखो 24 के अपवर्तक निकालेंगे और 32 के अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक निकालने के बाद हम समापवर्तक देखेंगे कितने अपवर्तक समान है, उसके बाद उन समापवर्तकों में सबसे बड़ा समापवर्तक कौन सा है, वही हमारा मासा हो जाएगा। तो देखो 24 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये क्या हो गए, 24 के अपवर्तक। 32 की यदि बात करो, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या हो गए, 32 के अपवर्तक। तो 24 और 32 के अपवर्तक निकल आए। अब इन अपवर्तकों में समान अपवर्तक कौन कौन से हैं, तो देखो 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, उसके बाद 8 है, बाकी कुछ है नहीं। तो यानी समान अपवर्तक क्या क्या हो गए, 1, 2, 4 और 8। तो अपवर्तकों से हमने क्या निकाला, समापवर्तक, और इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वो कहलाएगा महत्तम समापवर्तक। तो इन समापवर्तकों में सबसे बड़ा कौन है, सबको समझ में आ रहा होगा कि 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8, यानी 8 क्या हो गया, मासा। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे आपसे किसी ने कहा 20, 25 और 30 इनका मासा निकालो, तो मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं के अपवर्तक निकालेंगे और अपवर्तक निकालने के बाद समापवर्तक निकालेंगे, समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होगा वही मासा हो जाएगा। तो 20 के मासा, 20 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 5, 25, 30 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 5, 6, 10, 15 और 30। अब इन सब में समापवर्तक क्या है, 1, 2 और 5। तो सबसे बड़ा अपवर्तक समापवर्तक कौन हो गया, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, जैसे किसी ने कहा 9 और 18 का मासा निकालो, तो 9 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1, 3 और 9, 18 के क्या हो जाएंगे, 1, 3, 6, 9 और 18। इन अपवर्तकों में समान अपवर्तक कौन कौन से हैं, 1, 3 और 9। इन समापवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है, 9, तो मासा क्या हो जाएगा, 9। अब अगर क्वेश्चन आता है कि मासा निकालो, तो अब आप क्या करोगे, आप ऐसे नहीं करना कि सभी के अपवर्तक निकालो फिर समापवर्तक निकालो, आपको कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, आपसे कहा बोला 12 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकालो। तो भाई हम जानते हैं कि अपवर्तक क्या होता है, संख्या से छोटा होता है, और जो मासा होगा कहीं ना कहीं 12 से छोटा होगा, तो हमारा ध्यान 20 पे नहीं जाएगा, हमारा ध्यान सिर्फ 12 पे जाएगा। आपको क्या करना, डायरेक्ट 12 के अपवर्तक निकालने हैं। तो 12 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इन संख्याओं से देखो कौन सी संख्या कट रही है, इन संख्याओं से क्या 20 कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 4 से। 4 के बाद किसी से नहीं कट रहा, यानी इनका मासा क्या हो जाएगा, 4। जैसे मान लो कितनी भी संख्या आ जाए, जैसे मान लो बोला 15, 25 और 35, इनका मासा निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को पकड़ा जाता है। हम क्या करेंगे, सिर्फ 15 को पकड़ेंगे और 15 के अपवर्तक को लिखेंगे। 15 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 5 और स्वयं 15। हाँ, यहां पे 2 नहीं है, 1, 3, 5 और 15। अब देखो 1, 25, 35 को काट देगा, 3, 25 को नहीं काटेगा, ना ही 35 को काटेगा, 5, 25 को भी काट देगा और 35 को काट देगा, लेकिन 15, 25, 35 को नहीं काटेगा, यानी मासा क्या हो गया, 5। यानी मासा अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको करना क्या है, सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोला
बीस, चालीस, साठ और अस्सी, कितनी भी संख्या हो बोला मासा निकालो। तो हम सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे भाई, बीस के क्या लिखेंगे अपवर्तक। अब एक लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक तो सबका ही मासा होता है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दो है, चार है, पाँच है, दस है और बीस है। तो दो इन सबको काट रहा है, चार भी सबको, चार भी काट रहा है, पाँच भी काट रहा है, दस भी काट रहा है और बीस भी काट रहा है। तो अब ये सभी को, सभी संख्या इसको काट रहे, लेकिन क्या बोला समापवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, तो क्या हो जाएगा इसका मासा, बीस हो जाएगा। चलिए लासा की तरफ चलते हैं। लासा का पूरा फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है लासा का भाई, लघुत्तम समापवर्त्य मासा, महत्तम समापवर्तक। ध्यान देना, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी मल्टीपल, और मल्टीपल कैसा कॉमन, और उन कॉमन मल्टीपल में सबसे जो छोटा है वो है एलसीएम। देखो मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल कैसा होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, और उन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बोला 12 और 24, तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे यानी 12 की गुणज क्या होंगे, 12 12 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 एंड सो ऑन। तो किसी भी संख्या के अगर अपवर्त की बात करी जाए तो अपवर्त होते हैं अनंत, किसी भी संख्या के अपवर्त अनंत होते हैं, लेकिन किसी भी संख्या के अपवर्तक फिक्स होते हैं, फाइनाइट होते हैं, डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे देखो 12 के अपवर्तक कितने हैं, 4 और 2 6, तो निश्चित हो गया कि अपवर्तक संख्या, किसी भी संख्या के अपवर्तक निश्चित होते हैं, लेकिन किसी संख्या के अपवर्त अनिश्चित, अनंत, इनफाइनाइट। देखो 12 का टेबल कंटिन्यू पढ़ता जाओ आप, अनंत तक जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या के अपवर्त अनंत होते हैं, अपरिमित होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो हमने ये क्या निकाल दी, 12 के अपवर्त, फिर 24 के अपवर्त। अब इन अपवर्तियों में समापवर्त कितने हैं, तो 48, यहां देखो सबसे पहले आ गया 48। 48 के बाद और भी बहुत सारे लाखों हजारों करोड़ों अनंत होंगे, लेकिन हमें अपवर्त में सबसे छोटा वाला चाहिए, तो सबसे छोटा कौन सा है, 48। तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 इसका लासा हो जाएगा। जैसे कहा 10 और 12 का लासा निकालो, तो भाई क्या करेंगे, 10 के अपवर्त निकालेंगे, 12 के अपवर्त निकालेंगे, और उन अपवर्तकों में जो समान अपवर्त होगा और सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या देखो 60 सबसे छोटा अपवर्त है, समान भी है, तो 60 क्या हो गया, लासा हो गया। बोला 10, 12 और 15 का लासा निकालो, तो भाई 10 के अपवर्त अनंत होंगे, 12 के अपवर्त भी अनंत होंगे, 15 के अपवर्त भी अनंत होंगे, लेकिन इन अपवर्तियों में जो समान अपवर्त है और वो भी सबसे छोटा, वो क्या होगा, लासा। तो सबसे छोटा यहाँ पे आएगा 60, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। अब अगर बोला लासा निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आपको सभी संख्याओं के अपवर्त नहीं निकालना है, बहुत ही साधारण सी बात है, जैसे कहा उसने कहा 10 और 15 का लासा निकालो, तो देखो मासा अगर निकालने के लिए बोले तो सबसे छोटी संख्या पकड़ो, और लासा निकालने के लिए बोले तो बड़ी संख्या पकड़ो। क्यों, मासा संख्याओं को काटता है और लासा संख्याओं से कटता है, तो हमें लासा निकालना है तो हम किसको पकड़ेंगे, 15 को। 15 की क्या लिखेंगे, मल्टीपल, तो सेम 15 30 हजार हो जाएंगे। अब ऐसा पहला मल्टीपल जो 10 से कट जाए, तो क्या 15 कट रहा, नहीं कट रहा, 30 कट रहा यानी 30 सही लासा हो जाएगा। अब जैसे और कोई उदाहरण ले लो, आप मान लो 10 है, 12 है या 15 है, आपसे कहा कि लासा निकालो, तो लासा निकालने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं, सबसे बड़ी क्या है, 15। 15 की क्या लिखो आप, मल्टीपल लिखो, तो 15 दूनी 30,
पंद्रह थी 45 और 15 चौके 60। अब देखो ध्यान से, इनमें से कौन सा मल्टीपल इन दोनों से कट रहा? क्या 15 कट रहा? नहीं। 30 कट रहा? नहीं। 45 कट रहा? नहीं। 60 कट रहा? हाँ, दोनों से कट रहा, यानी 60 ही क्या हो गया? लासा हो गया। सिंपल सी बात है, अगर लासा निकालने के लिए आए तो आप क्या करो, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, उसके गुणज लिख डालो, और जिस जो भी गुणज सबसे कट जाए वो क्या हो जाएगा? लासा। अगर मासा निकालने के लिए बात करें तो सबसे छोटी संख्या पकड़ो और जो भी कॉमन हो जाए सबसे बड़ा वाला वो क्या हो जाएगा? मासा। इससे शॉर्ट विधि हो नहीं सकता। आप सबने पढ़े होंगे भाग विधि, गुणनखंड विधि, उसमें समय लग जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, लासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लो और मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को पकड़ लो। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो वीडियो है बेसिकली टीईटी सीईटी टीईटी के लोगों के लिए डेडिकेटेड है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। बिल्कुल सही बात है, उसने बोला किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। जैसे देख लो, मान लो 15 है, 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 3, 5 और स्वयं 15। तो जितने भी ये गुणनखंड हैं ये क्या है? 15 के विभाजक, अर्थात इसको ये काटते हैं। 1 15 को काट देता है, 3 15 को काट देता है, 5 15 को काट देता है, 15 15 को काट देता है। यानी कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या होते हैं? विभाजक। ठीक है, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो संख्या अपने गुणनखंडों से कट जाती है। दूसरा पॉइंट देखो, एक संख्या अपने सभी गुणनखंडों की गुणज होती है। एक संख्या अपने सभी गुणनखंडों की गुणज होती है, बिल्कुल सही बात है। देखो एक बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैं तेरा गुणन गुणन गुणज और तू मेरे गुणनखंड। तो देखो यहाँ पे 1, 3, 5, 1, 3 और 5 क्या है? 1, 3, 5, 15 क्या है? 15 के गुणनखंड। और 15 क्या है? इन गुणनखंडों का गुणज। 1, 3, 5 क्या हो गए भाई? गुणनखंड। और 15 क्या है? इनका गुणज। तो मैं तेरा गुणनखंड और तू मेरा गुणज, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जितनी भी संख्याएं हैं सबका गुणनखंड एक होता है। देख लो कैसे, मान लो 4, तो 4 एक से कट जाएगा, 1 चौके 4 कितना आ गया? शेष 0। यानी 1 भी क्या है? 4 का गुणनखंड है। 1, 5, 1 5, 5 कितना आ गया? 0। यानी एक ऐसी संख्या है जो सबका गुणनखंड, यानी सबको ये काट देती है, सबका विभाजक होती है एक। चौथा पॉइंट, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड होती है, यानी जैसे बोलो 20, तो 20 का ही गुणनखंड है, 20 से कम 20 कट गया। तो हर संख्या अपना स्वयं का भी गुणनखंड होती है। पांचवा, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। यानी कोई भी संख्या के अगर आप गुणनखंड निकालते हो तो गुणनखंड उस संख्या से या तो छोटा रहेगा या उसके बराबर, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। जैसे देख लो 15 के गुणनखंड क्या है? 1, 3, 5 और 15। तो देखो सारे के सारे गुणनखंड 15 से छोटे हैं और बराबर है। यानी गुणनखंड जो है वो संख्या से छोटे होते हैं और संख्या के बराबर होते हैं। अगला छठा पॉइंट, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। तो गुणज देख लो, जैसे 20 की गुणज की बात करेंगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80 एंड सो ऑन। क्योंकि गुणज तो अनंत होते हैं, अपरिमित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनंत होते हैं। तो अब किसी भी संख्या के गुणज, तो देखो पहला वाला तो इसके बराबर हो गया और बाकी सारे कैसे हैं? बड़े हैं। यानी किसी भी संख्या के जो गुणज हैं वो क्या होते हैं? संख्या के बराबर या फिर संख्या से बड़े। सातवां पॉइंट देखो, दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। इसका कहने का तात्पर्य है किसी भी संख्या के जो गुणनखंड हैं वो कैसे होते हैं? परिमित, निश्चित होते हैं। जैसे आपको बताया था अभी देखो 12 के गुणनखंड कितने हैं? 6 हैं, निश्चित है। यानी गुणनखंड कैसे होते हैं? निश्चित। अपवर्तक कैसे है? निश्चित।
लेकिन अपवर्त अनिश्चित अपरिमित। तो वही पॉइंट इन्होंने बोला कि गुणनखंड कैसे हैं परिमित। परिमित शब्द का मतलब होता है डेफिनिट, या कह सकते हो फाइनाइट, निश्चित। किसी संख्या के गुणजों की संख्या, गुणज तो अपरिमित होते हैं, अनंत। 10 का पहाड़ा पढ़ते जाओ आप, 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 40, अनंत तक पढ़ते जाओ, तो गुणज कैसे हो जाएंगे? अपरिमित, इनफाइनाइट। लास्ट, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज भी होती है। तो हर संख्या अपना स्वयं का गुणज भी होती है और गुणनखंड भी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर लेक्चर आपको बना के देंगे। थैंक यू।